सन्नती व तजारती नुमाइंदों पर मुश्तमिल पाकिस्तान के सबसे बड़ी और मुनज्जम तंजीम प्याफ ने लाहौर चेंबर के इंतखाबात के हवाले से एक बार फिर अपनी भरपूर ताकत का मुजाहिरा कर दिया। प्याफ की जानिब से लाहौर चेंबर की इंतखाबी मुहिम का अब तक का सबसे बड़ा पावर शो। प्याफ के पावर शो में लाहौर भर की तमाम मार्केटों के सुदूर सन्नती व तजारती सेक्टर्स के सुदूर व अहदेदारों पर मुश्तमिल एग्जीक्यूटिव कमेटी का सबसे बड़ा इजलास बुलाकर तमाम अफवाहों का दम तोड़ दिया। प्याफ की जानिब से बुलाए गए इजलास में तवक्को से ज्यादा एग्जीक्यूटिव कमेटी अराकीन और सन्नती व तजारती लीडर्स ने भरपूर शिरकत करके मियां जुम निसार, फहीम रहमान सहगल, मोहम्मद अली मियाँ, मियाँ बुजरशाद, ख्वाजा शाहजेब अकरम, नसरुल्ला मुगल और ताहिर मंजूर चौधरी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए भरपूर इत्तेहाद व एतमाद का वोट दे दिया। प्याफ के एग्जीक्यूटिव कमेटी अराकीन और लाहौर भर के सन्नती व तजारती एसोसिएशन के रहनुमाओं का जोशो खरोश दीदनी था। बारहा बिजनेस कम्युनिटी के लीडर्स खड़े होकर प्याफ की क्यादत से मोहब्बत और यकजहती का इजहार करते रहे, बुलंदो बांग नारे बुलंद होते रहे। प्याफ के इजलास में शरीक लाहौर भर की मार्केटों के सुदूर सन्नती व तजारती सेक्टर्स के ओहदेदारों ने लाहौर चेंबर की अब तक की सबसे बड़ी और मुनज्जम इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान भी कर दिया। जबकि इस बार लाहौर चेंबर के इंतखाबात में प्याफ फाउंडर्स अलायंस की कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने के आजम का इजहार भी किया गया। मैं अल्लाह का खास शुक्र अदा करता हूँ कि आज प्याफ की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने भरपूर नुमाइंदगी की। उनकी मौजूदगी ने हमें मजीद अपने एतमाद का उन्होंने इजहार किया और उससे प्याफ को बड़ी कुव्वत मिली है, अंजुम निसार को बड़ी कुव्वत मिली है, फहीम रहमान को बड़ी कुव्वत मिली है, मोहम्मद अली मियाँ को बड़ी कुव्वत मिली है, शाहजेब और सारे दोस्तों को। ये पूरी प्याफ की लीडरशिप पर आज दोस्तों ने एतमाद का इजहार किया। आज मुकामी रेस्टोरेंट में हमारी प्याफ की सी की मीटिंग थी और जिस तरह जोग दर जोग हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोगों ने यहाँ शिरकत की है, यकीन करें मेरा दिल बड़ा हो गया है। आपको पता है कि कुछ स्पेकुलेशंस मार्केट में गर्दिश कर रही थी, कुछ लोग पुराने चेहरे छोड़ के चले गए, कुछ नए आ गए, तो ये कानून फितरत है, लोग आते जाते रहते हैं। आपके कैमरे ने, सिक्स न्यूज़ के कैमरे ने देखा और इसके बाद का सबूत है कि प्याफ अभी भी 99% अंजुम निसार की क्यादत के साथ खड़ी है। बिजनेस कम्युनिटी ने, मार्केटों ने, लीडरशिप ने ये बता दिया कि तमाम की तमाम लाहौर की, चाहे वो मार्केट्स हों चाहे इंडस्ट्रीज हों, जितनी एसोसिएशन हैं तमाम प्याफ के साथ हैं, तमाम अंजुम निसार के बाजू हैं, तमाम ने यहाँ आपके सामने उन्होंने हल्फिया बयान दिया। उन्होंने कहा जनाब अंजुम साहब, हम पहले तो जितना भी काम करते अब हम आपसे ज़्यादा मिल के काम करेंगे और आपको इंशाल्लाह ताला लाहौर चैम्बर में फतेह, पहले भी 21 साल से आप वहाँ, 25वां साल भी आपको वहाँ लेके आएंगे। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत का बेड़ा प्याफ की क्यादत ने उठाया है, वो सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। आज इस हाल में 240 लोगों से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, क्या बिजनेसमैन के पास इतना वक्त है? कसूर से लोग आए, उकाड़े से लोग आए, शदरा से लोग आए, दरोगेवाला से लोग आए, अंदरून शहर से लोग आए, सुंदर से आए, टाउनशिप इंडस्ट्रियल स्टेट से आए, फिरोजपुर रोड एसोसिएशन से आए, हार रोड से आए, अनारकली से आए, एबड रोड से लोग आए, मार रोड से लोग आए, मिडगुमनी रोड से लोग आए, बदामी बाग से लोग आए, कौन कौन सी जगह से लोग नहीं आए। बिजनेस कम्युनिटी के इश्यूज के लिए हम हर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, भले वो सड़क हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, लाहौर चैम्बर हो, प्याफ हो, बिजनेसमैन पैनल हो, जो भी हो, यही हमारा कोशिश है और यही हमारा किरदार है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1997 से अब तक जो ट्रेड पॉलिटिक्स की है, इसमें अपना कोई करीबी अजीज किसी को एंटरटेन नहीं किया। ये प्लेटफॉर्म है बिजनेस कम्युनिटी का, तो ये उन्हीं का प्लेटफॉर्म है और उन्हीं को हम नुमाइंदगी देते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छे लोगों को लाएं, सारे सेक्टरों से लाएं, ताकि उनकी अच्छी नुमाइंदगी लाहौर चैम्बर के जो प्लेटफॉर्म पर हो। आज जिस तरह लोगों ने आज मोहब्बत का इजहार किया है मियां अंजुम निसार के साथ और प्याफ के साथ, वो इस बात का सबूत है कि प्याफ के ईसी मेंबर से भी ज़्यादा लोग इस वक्त यहाँ मौजूद थे और आज की जो ईसी मीटिंग थी वो एक जलसे का रुख इख्तियार कर गई थी। ये जो बाजार में चंद बातें जो हवा में गर्दिश कर रही थी, उन्होंने बिल्कुल दम तोड़ दिया है। इतनी भरपूर नुमाइंदगी आपको पहले कभी नहीं नजर आई। श
शैले हॉल में तकरीब की सदारत पैट्रन इन चीफ प्याफ मियां अंजुम निसार, चेयरमैन प्याफ फहीम रहमान सहगल ने की, जबकि इस मौके पर बानी व साबिक चेयरमैन प्याफ मोहम्मद अली मियां, साबिक चेयरमैन प्याफ मियां बुजरशाद, सीनियर रहनुमा प्याफ ख्वाजा शाहजेब अकरम, सीनियर वाइस चेयरमैन प्याफ नसरुल्ला मुगल, वाइस चेयरमैन प्याफ ताहिर मंजूर चौधरी ने भी खिताब किया। तकरीब के मौके पर प्याफ की क्यादत की जानिब से एग्जीक्यूटिव कमेटी अराकीन की सिटिंग के लिए लगाया जाने वाला सेटअप कम पड़ गया। लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों के सुदूर वहदेदारों के जम्मे गफीर के बायस मुतअद्दिद बार कुर्सियां लगाकर बिजनेस कम्युनिटी को एडजस्ट किया गया, जिसके बाद भी ताहद निगाह बिजनेस कम्युनिटी के लीडर्स जगह की कमी के बायस खड़े होकर प्याफ की क्यादत के साथ यकजहती का सबूत देते रहे। इस मौके पर प्याफ की एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान और मुख्तलिफ मार्केटों के सुदूर वहदेदारों का कहना था की प्याफ ने हमेशा अमली खिदमत की है, न के ड्राइंग रूम की सियासत को फरोग दिया है। प्याफ ताजरों और सन्नतकारों की हर मुश्किल घड़ी में सफे अवल का किरदार अदा करती रही है। ताजरों के मसाइल पर एहतजाज करना हो या हुकूमत व इदारों से बातचीत, प्याफ ने हमेशा ताजरों सन्नतकारों का भरपूर साथ दिया है, जिसकी बदौलत आज तमाम बिजनेस कम्युनिटी प्याफ के शाना बशाना खड़ी है और हमेशा सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी रहेगी। जब जब भी कोई मुश्किल वक्त आया बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी खुल के हिमायत की और बड़ी साफ सुथरी बात करते हैं। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है कि हम एक भरपूर मार्जिन के साथ लाहौर चैम्बर में क्लीन स्वीप करेंगे। मियां अंजुम निसार साहब की क्यादत के अंदर प्याफ जो है वो हमेशा डिलीवर करती आई है और डिलीवर करती रहेगी। मैं समझता हूँ आज प्याफ ने एक नया जन्म लिया है, मियां अंजुम निसार की क्यादत में, फहीमर रहमान सागर की क्यादत में, जो हमारे बाकी अहदेदार नया जन्म लिया है। 150 की बजाय आज हाल में तकरीबन 350 लाहौर की ताजर बिरादरी के लीडरान, मार्केट लीडरान, इंडस्ट्रियल स्टेट के लीडरान मौजूद थे। मियां अंजुम निसार ग्रुप हमेशा स्ट्रांग था और स्ट्रांग ही रहेगा। हवा में तीर चलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मियां अंजुम निसार साहब की क्यादत में मुनाजिम है और इंशाल्लाह रहेंगे। प्याफ फाउंडर अलायंस पहले भी जीतता रहा और अब भी जीतेगा। प्याफ एक हकीकत है, ट्रेड और इंडस्ट्री की नुमाइंदगी करने में बड़ा इनका कलीदी किरदार है। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है, इंडस्ट्री से लोग वो पहले भी प्याफ से व्यवस्था थे, प्याफ के साथ थे और आंदा भी इंशाल्लाह प्याफ के साथ रहेंगे। हमारा माजी इस चीज़ की गवाही दे रहा है जो हमने खिदमत की है और इंशाल्लाह उस इत्माद पे लोग हमें वोट देंगे। उनको पता है कि ये अच्छे किरदार के लोग हैं और इन्होंने पहले भी डिलीवर किया है। प्याफ नाम है खिदमत का, कारकर्दगी का, शराफत का, दयानत का, जुर्रत का और मोहब्बत का। ना हम बदले, ना हमने रहनुमा बदला, ना हमने काफला बदला। ये अपने वोटर्स से गुजारिश करते हैं अफवाहों की तरफ ध्यान नहीं देना। ये पहले भी बहुत सारे ग्रुप्स आए, मुफाद पुस्तों का टोला आया और शिकस्त खा कर गए और इंशाल्लाह ताला इस दफा भी इसी तरह होगा। ये 240 लोग आए थे, इनकी शादियों पे, इनके मरने जीने पे, इनकी सालगिरहों पे, हर फंक्शन पे इनके साथ हमारा बैठना उठना है। आवाज़ खलके खुदा होती है। हमने तो आपके सामने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है कि दो हम अंजुम निसार से कितना प्यार करते हैं, हमसे कितना प्यार करते हैं। मियां अंजुम निसार साहब ने बिजनेस कम्युनिटी के लिए काम किया। सोशल मीडिया पे पैनिक का माहौल था, आप प्रैक्टिकल जब आए ना, ये मुखालफीन भी जो है इस तरह करके दिखाएं, ये जो लोगों का जो जम्मे गफीर यहाँ पे आया है वो इस कारकर्दगी पर आया है। वो ये नहीं है कि किसी को इनको बुलाया गया या ये उन लोगों की मेहरबानी है, उन लोगों की मोहब्बत है। और जो मार्केट में एक कंफ्यूजन थी आज वो क्रिस्टल क्लियर हो गई है लोगों की नज़र में कि इस वक्त प्याफ फाउंडर अलायंस जो है वो मजबूती के साथ खड़ा है। हम सारा दिन फील्ड में रहते हैं, हमें पता ना लोगों के मसाइल के हैं, मार्केट्स के मसाइल के हैं। हमने अपने ताजर के लिए काम करना है और दिन रात काम करना। Yeah.